ओडिशा पई बीजेपी तार प्रथम प्रार्थी तालिका प्रकाश करिछि। एही तालिका रे 18 जन प्रार्थी कर नाम घोषणा होइछि। दल पुरीर पूर्वथर प्रार्थी बीजेपी रो राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र को पुणि थरे प्रार्थी करिछि। सेहिपरि भुवनेश्वर आसनरु दल सांसद अपराजिता षडंगी को प्रार्थी करिछि। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान संबलपुर लोकसभा क्षेत्र प्रार्थी होती। सुंदरगढ़ आसन लगातार जीति आसुवा बीजेपी वरिष्ठ नेता जुएल ओराम को दल आउ थे प्रार्थी कर बालेश्वर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी को दल आस्था प्रकट कर प्रार्थी कर बलांगीरु संगीता कुमारी सिंहदेव को दल आउ थे प्रार्थी कर बरगड़ प्रदीप पुरोहित केन्दुझर अनंत नायक मयूरभंजु नवचरण माझी भद्रकु अभिमन्यु सेठी ढेंकानाल आसन रुद्रनारायण पाणी कलाहांडी मालविका केशरी देव नवरंगपुर बलभद्र माझी केन्द्रापड़ बैजयंत पंडा जगत सिंहपुरु विभुप्रसाद तराई आशिकारु अनिता शुभदर्शिनी ब्रह्मपुर प्रदीप कुमार पाणिग्राही कोरापुटु कालेराम माझी को बीजेपी प्रार्थी कर कटक जाजपुर कंधमाल आसन पर प्रार्थी ना बाकी बेले एथपाय कल्पना जल्पना लगि रही। प्रार्थी तालिकार ना थिबा नेता माने तांकर प्रथम प्रतिक्रिया प्रकाश करी दल तांक उपरे भरोसा करथिबारु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कृतज्ञता प्रकाश करिछंती। एथिसह लोकसभा क्षेत्र में जनसाधारण आस्था भाजन हो पारे आशा प्रकट करिछंती। मु महाप्रभु जगन्नाथ माँ समलेई को पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करुची तांकर आशीर्वाद भिक्षा करुची। तांकर आशीर्वाद कारणरु देशर लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दलर राष्ट्रीय सभापति आदरणीय जेपी नड्डा जी देशर गृहमंत्री आमर नेता माननीय अमित शाह जी भरोसा कारणरु मते सेमाने आजि संबलपुर लोकसभा पाई प्रार्थी भावे चयन करिछंती मनोनीत करिछंती। मोर पूरा विश्वास देशर जनता सह आम राज्य ओडिशार जनता ओडिया अस्मिता ओडिशार विकास विकसित ओडिशा पाई स्वाभिमानी ओडिशा पाई आशीर्वाद करिवे। टिकट दोबारा मिला है इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को राज्य के सभापति श्रीमान मनमोहन समल को मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास को सुरक्षित रखूंगा ये वचन देता हूं। देखिए टिकट मिला है तो खुशी भी है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और रिजल्ट हमें दिखाना है। मोदी जी का जो विकसित भारत का कार्यक्रम है उसको हमें लोगों तक आगे पहुंचाना है आगामी दिन के लिए, तो हमें अपना ये जो टिकट मिला है उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ा। मैं बहुत ही आज बहुत ही खुश हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व तथा राज्य के नेतृत्व का। विकास का मुद्दा हमारा पहला मुद्दा है। हम देश का विकास एवं राज्य का विकास के लिए जो सब काम रहेगा उसका करेंगे। आज केंद्र जो निष्पत्ति नला बृहत एरिया दायित्व मत मिली आज जो दायित्व मत मिलला से केन्द्र आम यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देर गृहमंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद देवी पार्टी जी आम सभापति जेपी नड्डा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मु धन्यवाद देवाई चाहे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जी आस्था रखिंट मोरे यहाँ मोरे आस्था ना विगत 5 वर्ष धरी आम भारतीय जनता पार्टी नवरंगपुर लोकसभा तृणमूल स्तर समस्त कार्यकर्ता जो प्रकार लगातार भाव में कठिन परिश्रम करके दल को मजबूत कर गोटे जितवा स्थित को नहीं आई आस्था रखी मत प्रतिनिधि हिसाब से टिकेट दे मत व्यक्तिगत हिसाब से देना विद रेकमेंडेशन दि सेंटर सीईसी रेकमेंडेड माई नेम एंड नोटिफाइड विद द ब्लेसिंग ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज ए एमपी कैंडिडेट फ्रॉम बरहमपुर which is a very important seat as ex prime minister Narasimha Rao also fought in that seat. Barhampur have its own kind of culture and electioneering process. Hope the people of Barhampur, with the blessing of the honorable prime minister and BJP leadership, will bring a double engine sarkar government in this state and also in this center with the blessing of the honorable prime minister.